अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में दिव्यांगजन के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासों में एकजुटता विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने कहा कि दिव्यांगजनों को रोबोटिक और तकनीकी शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में तकरीबन 8 कोर्स चल रहे हैं जिनका एफिलिएशन श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से है और जो कोर्सेज हैं उसमें मैं चाहूंगा कि जो कुछ नए कोर्सेज यहां पर वोकेशनल कोर्सेज इट में भी 6 मंथ्स प्रोग्राम इट में भी वन ईयर प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए जाए, खासतौर पर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। हम चाहते हैं कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं जो स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे स्टूडेंट हैं इनको आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए और रोबोटिक्स से कुछ कोर्सेज यहाँ पर प्रारंभ किए जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कोर्सेज प्रारंभ किए जाएं और इसके लिए हमारे जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से जो भी सहायता होगी हम उसको अवश्य प्रदान करेंगे। संस्थान के प्रभारी निदेशक सुरेंद्र ढारवाल ने दिव्यांगजनों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए सभी से सहयोग करने की अपील की। जरूरी है कि भाई हम सब न केवल दिव्यांगजन या न केवल जो है उनके टीचर्स न केवल उनके पेरेंट्स बल्कि जैसे कि जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं और जो समाज का वर्ग है चाहे वो मीडिया कर्मी क्यों ना हो हम सबका एक रोल है जब हम इसके उत्थान की बात करते हैं तो ये थीम भी है इस वर्ष का। वहीं दूसरी ओर दिव्यांग छात्र सौरभ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें दृष्टि बाध्यता है लेकिन वो लगातार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिससे आगे जाकर कुछ नया मुकाम हासिल कर सके। मेरा नाम सौरभ सिंह गुज्जर है, मैं हापुड़ से रहने वाला हूं और यहां पर NIEPVD से मैंने 1 साल पहले कोपा कोर्स किया ITI कंप्यूटर से और काफी कुछ सीखने को वहां पे मिला। उसके बाद मैंने यहां पर DEd स्पेशल एजुकेशन में मेरिट बेस पे एडमिशन लिया और अब मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूं और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 3 दिसंबर यानी कि दिव्यांग दिवस है तो दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि दिव्यांगता के आधार को जो मानते हो सामर्थ्यवान कि दिव्यांगता के आधार को जो मानते हो सामर्थ्यवान देश की समृद्धि का आधार होना चाहिए और कितनी भी विषमता हो कितनी भी अक्षमता हो लेकिन सबका सम्मान व्यवहार होना चाहिए।